खरगोन शहर के सिद्धनाथ मंदिर में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता हेतु आयोजित हुआ अधिष्ठान। छात्रों द्वारा बनाए गए प्रारूप BSLV व्हीकल यान का डेमो रख की गई पूजा। हमारी डिजियाना टीम ने रखी खास बातचीत, देखिए पूरी रिपोर्ट। समूचे विश्व की नज़र इस वक्त भारत की ओर है, क्योंकि भारत द्वारा लॉन्च किए गए मिशन चंद्रयान 3 के तहत इस ओर अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और चांद की कक्षा में पहुंच चुका है। शहर में इस मिशन की कामयाबी के लिए और विश्व में मां भारती के नाम की शंखनाद बिना किसी विघ्न के संपन्न हो, इस हेतु शहर के सुप्रसिद्ध प्राचीनतम सिद्धनाथ महादेव मंदिर में शिव डोला और सिद्धनाथ समिति द्वारा मिशन के सफलतम होने हेतु अधिष्ठान रखा गया, जिसमें पूजन अर्चन कर बाबा सिद्धनाथ से मिशन निर्विघ्न संपन्न हो, इस हेतु प्रार्थना की गई। मंदिर में PSLV लॉन्च व्हीकल का मॉडल भी तैयार करके लाया गया, जिसकी स्कूली छात्रों द्वारा जानकारी दी गई और विशेषताएं समझाई गईं। इस दौरान डिजियाना टीम की समिति एवं छात्रों से हुई विशेष बातचीत। समूचे देश सहित विश्व भर में भारत का एक बार फिर से डंका बजने को है, चंद्रयान 3 सफलता की ओर बढ़ने वाला है। और जब ये जैसे कि अभी पता चला था साइंटिस्ट के द्वारा लेटेस्ट रिपोर्ट में कि थर्ड शिफ्ट में एंटर कर चुका है और कुछ ही दिनों में वो मून के ऑर्बिट से डायरेक्टली मून पर लैंड करने वाला है। चंद्रयान 3 की सफलता की वजह से देखा जाए तो मनोकामना उसके साइंटिस्टों ने तो की है मंदिर जाकर। और ऐसे अभी श्रावण का महीना चल रहा है, महादेव की भक्ति का महीना चल रहा है और हमारे खरगोन जो शहर है वहाँ का सिद्धनाथ महादेव मंदिर है वो अपने आप में बहुत ही प्राचीन है, अति प्राचीन है और वहां पर देखा जाता है कि जो भी मनोकामना मानी जाती है वो पूर्ण होती है। तो पूरे विश्व भर में अब डंका बस बजने को ही है और उसके अंतिम चरण में जो है यहाँ सिद्धनाथ महादेव मंदिर में आज विशेष पूजन अर्चन किया गया है, जिसके द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन जल्दी से जल्दी जो है सक्सेस हो जाए, इसको लेकर यहाँ बच्चों ने कुछ मॉडल भी तैयार करके रखा है जिसका पूजन अर्चन यहाँ पे होना है। यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये चंद्रयान 3 की ये स्पेशलिटी क्या जानते हैं और आगे क्या स्पेशलिटी होगी। बेटा मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आप मॉडल तैयार करके लाएँ, कितने दिन इसमें लगे हैं और इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है? इस सबसे पहले तो इसमें सब सारे मेन चीज़ें बताई गई है। मतलब ये चंद्रयान 3 का पूरा मॉडल नहीं है, ये एक व्हीकल है, PSLV व्हीकल जिससे चंद्रयान 3 को भेजा गया है। तो यही वो व्हीकल है, PSLV पोलार सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें हमें कुल 15-20 डेज लगे थे, जिसमें हमने सब कुछ बताने की कोशिश करी है। यहाँ पे फ्यूल टैंक, ऑक्सीडाइज़र, सब कुछ हमने बताने की कोशिश करी है और हम यही आशा करते हैं कि आपको हमारी इस प्रेजेंटेशन से सब समझ में आ जाए। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसमें फ्यूल टैंक और ऑक्सीडाइज़र का जो रोल है वो क्या है इसमें स्पेशली? फ्यूल टैंक का ये रोल है कि ताकि जो हमारा चंद्रयान 3 का जो सेटेलाइट है वो बिना किसी रुकावट के मून तक बिना किसी रुकावट के पहुँच सके, और जो ऑक्सीडाइज़र है वो ऑक्सीडाइज़र जो है वो भी अपनी जगह अपने उसके काम कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो इसमें थ्री बूस्टिंग इंजन है या चार बूस्टिंग इंजन है, इंजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। इसका जो इंजन है ना, ये मतलब थोड़ा जो ऑर्बिट जैसे आपने पकड़ा है तो जो मेन ऑर्बिट रहेगा वहाँ से जब ये बूस्ट करेगा तो ना इसका जो ऑर्बिट रहेगा वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो जो ये जो PSLV रॉकेट है ये मून के ऑर्बिट में जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे वो होगा तो इसकी स्पीड कम होने के बाद जो इसका जो इंजन है वो भी स्पीड अपनी कम करेगा तो वो 90 डिग्री के एंगल से मून पे लैंड करेगा। फिर मून की ग्रेविटी और मून का जो वातावरण है उससे किस प्रकार से ये फाइट आउट करेगा ये वाला जो मून जिसके अंदर कोई ऐसे पार्ट्स जो हमें रॉकेट को हेल्प करते हैं वहाँ पे सेफली लैंड करने के लिए और उसको किसी भी तरह की नुकसान ना हो, इस वजह से उसमें कई सारे पार्ट्स भी लगे हुए हैं। ऐसा एक आध पार्ट का नाम आप बताना चाहेंगे? थ्रस्टर्स वगैरह। हाँ, थ्रस्टर्स, रोवर्स उसको लैंड करवाने में काम आता है, लैंडर्स, प्रपल्शन मॉड्यूल्स, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना कि ये कुछ आरंभिक स्तर पे ये अभी बताई गई है बच्चे द्वारा जिन्होंने मॉडल तैयार करा, इसके बारे में थोड़ी सी आउटलाइन, थोड़ी सी जानकारी दी है। इसके बाद हम चलेंगे मंदिर समिति के बाद जिन्होंने पूजा स्पेशली आयोजित की है बाबा सिद्धनाथ से, ये कामना की है कि ये जो मिशन है ये सफल हो और भारत का जो ये रॉकेट लॉन्च है, ये जो चंद्रयान 3 गया है PSLV के माध्यम से जिसको लॉन्च किया गया है, ये सकुशल मून पे पहुंचे और भी हमारे साइंटिस्ट आगे बढ़े। तो चलते हैं आगे की ओर।
मंदिर के गर्भगृह में इस समय हम उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ ये जो समिति मेंबर्स हैं और श्रद्धालु हैं, खरगोन शहर के गणमान्य नागरिक हैं, जिनके द्वारा कि पूजन अर्चन करके स्पेशली जो है चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल जो है अपने लैंडिंग की प्रार्थना की गई है, मनोकामना की गई है। हमारे साथ उपस्थित है प्रकाश जी भावसार, जिनके नेतृत्व में ये पूजा संपन्न हुई है अभी। और प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये इस प्रकार से जब कोई देश बड़े क्रांति की ओर बढ़ रहा है एक तरीके से, क्योंकि जब ये तीसरा मिशन सक्सेस होगा तो हम वो सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो शायद विश्व के बहुत सारे देश नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उस बीच में आपने पूजा आयोजित की, क्या मुख्य उद्देश्य रहा इसके पीछे? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के वैज्ञानिक संस्थान इसरो ने जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया और अब वो अपनी मिशन संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। कल शाम को 6:04 पर जो लैंडर विक्रम है उसकी लैंडिंग होने वाली है, तो हम भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि उसकी विक्रम लैंडर की जो चंद्रमा पर लैंडिंग सफलतापूर्वक हो, साथ ही जो प्रज्ञान रोवर है वो भी अपना जो 14 दिन का मिशन है उसको पूर्ण करके जो वैज्ञानिक चाहते हैं, जिस प्रकार का अनुसंधान चाहते हैं, उसमें संपूर्ण सफलता मिले। इसी प्रार्थना के साथ हम आज यहाँ मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में एकत्रित हुए हैं और भगवान श्री सिद्धनाथ जी महादेव जो इस क्षेत्र के अधिष्ठाता हैं, निश्चित रूप से हमारी जो हमने उनसे प्रार्थना की है उस मनोकामना को पूर्ण करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि भारत जो है वो चमत्कारों का देश कहा जाता है। जैसे मंगलयान का जब मिशन लॉन्च किया गया था तो उसके बीच में ये देखा गया था कि मंगलयान मिशन के बीच में थोड़ा सा संपर्क टूट गया था, वो संपर्क भी अचानक से स्थापित हुआ था। देखिए, चमत्कारों का देश कहा जाता है, भगवान अगर इस प्रकार की कोई कॉन्टिजेंटी है, लेकिन आप ये मानते हैं कि चमत्कारों का देश है, तो भगवान का कितना ज़्यादा हमारे यहाँ से योगदान होता है और जनता कितनी ज़्यादा दुआएं दे रही, कितनी ज़्यादा प्रार्थना कर रही है? देखिए, जब स्पेस में जाने की होड़ लगी थी तब हमने शांतिपूर्वक एक मिशन प्रारंभ किया और हमारे मिशन में चंद्रयान जो प्रथम अभियान था वो अपनी कक्षा में आर्बिटर के रूप में पहुंचा। दूसरा चंद्रयान 2 था, वो भी उसने भी अपना काम किया, लेकिन लैंडिंग के दौरान वो मिशन कुछ फेल हो गया था। लेकिन वैज्ञानिक जो रहते हैं वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, लगातार सीखते हैं, उनका मिशन कभी भी हम फेल नहीं कह सकते, क्योंकि उनका जो प्रत्येक मिशन होता है उससे कुछ ना कुछ परिणाम निकलते हैं और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। तो इस बार भी जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है उसमें विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया ताकि यह सफलतापूर्वक मिशन रहे और निश्चित रूप से वैज्ञानिकों के साथ साथ हम पूरे संपूर्ण देशवासियों को भी विश्वास है कि ये जो हमारा मिशन है ये सफल होगा और भारत माता पुनः विश्व के जो सम्मान है उस पर स्थापित होगी और हमारा तिरंगा जो है वो चंद्रमा की धरती पर लहराएगा, ऐसा हमें संपूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी हमने जाना है, जो स्पेशल पूजा यहाँ पे ओकेशनली बनाई गई थी, यहाँ लोग आए हैं, उन्होंने पूजा अर्चन किया है और अभी जो अनुमानित डेट निकल के आ रही है 25 से 27 आ रही है, जिसके दरमियान ही है इसका जो है ऑर्बिट में और वहाँ पर लैंड होने के जो है चांसेस अभी बताए जा रहे हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ डीजीएनआर न्यूज़ निमाड़, मैं वंशुल भाल से खरगोन पिरोने। सूढ़ला समिति का द्वारा भगवान परमपिता सिद्धनाथ महादेव से यही प्रार्थना करी कि जो सूर्य ने चंद्र के वाहन के लिए जो हमको सफलता पूरी मिले, हमारा तिरंगा ऊपर ले, हमने परमपिता परमेश्वर यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे सब दूर खुशहाली मने, मतलब हमको सफलता प्राप्त हो। मतलब नवनीत लाल भंडारी सूढ़ला की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर अधिष्ठान क्या? हमने नगर के अधिष्ठाता भगवान श्री सिद्धनाथ जी महादेव, जिनका सिडोला विश्वविख्यात है, उनके श्री चरणों में आज हमने प्रार्थना की है कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर महादेव, जो आपके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, उस चंद्रमा पर भारत सरकार द्वारा भेजे गए इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 को वहाँ पर स्थान प्रदान करें, ताकि हमारा भारत माता का जो भाल है वह मस्तक उनका और ऊंचा हो और चंद्रमा की धरती पर हमारा तिरंगा लहराए। इसी प्रार्थना के साथ हमने आज भगवान श्री सिद्धनाथ जी महादेव के चरणों में प्रार्थना अर्चना की, पूजन अर्चन किया और इस दौरान हमारे सभी नगर के श्रद्धालु, हमारे सिडोला समिति के श्रद्धालु और सभी ने प्रार्थना की है, हमारी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। प्रकाश भावसार, प्रवक्ता सिडोला समिति, खरगोन। डीजीएनआर न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डीजीएनआर न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।